सारी रात में नींद नहीं आई मुझे। मैं जैसे सोने की कोशिश की ना, तो फिर मुझे नींद तो आ गई, फिर अचानक से 5:30 बजे तक ना, अजानों से पहले इतना ही कुछ टाइम था, तो मेरा नाक पूरा बंद हो गया नज़ले की वजह से। फिर मैं सांस नहीं उठा पा रहा था, फ़ैन ऑन कर दिया रूम में, और उसके बाद थोड़ा बहुत कुछ हुआ, पानी वानी मैंने पिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा मोबाइल ब्राउजिंग कर लेता हूँ। इधर सेवन शरीफ में थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, पता नहीं क्यों जहाँ मैं वहाँ पर नेट सही नहीं चल रहा। और ये देखो पीछे व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है, देखो शिवाक वाले, चाचे बबलू वाले, सारी संगत जो भी आई थी हैदराबाद से वो सारी सोई हुई है। और उसके बाद अभी हम अपन, मैंने सोचा कि थोड़ा सा सुबह का जो मॉर्निंग व्यू है वो मैं आप लोग को दिखा दूँ, कितना खूबसूरत आ रहा है यहाँ से ना। तो आज मीट एंड ग्रीट है चाचे बबलू वालों का, तो मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मज़ा आएगा। अभी बस फ्रेश होना है, चाय वगैरह के लिए बाहर निकलना है, और आपको तो पता ही है सुबह उठ के ही आपका भाई पानी पीता है, ये स्किन केयर रूटीन होती है ना। मुझे पानी पीना बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को पीना चाहिए सुबह सवेर में। गुड मॉर्निंग। जी क्या कर रहे हो? बाबा ये सुन तो जाए जिंदे लहराण जो माए जिंदे लहराण जो माए। क्या ले? अरे यार को छोड़, सोने नहीं दिया रे, चुप कुछ तो करी बाबा। ओ बा बाबा। कहिड़ी ॿोली था ॻाल्हायो बाबा? ही चेना जी आहे। चेना जी आ बोली के रिया चेना रा तुजा सावरा आ जा बबलू। चेना रा चाचे बबलू जा सावरा आ तो शादी कई रही। चलो भाई चाय का सीन कुछ करते हैं और सिस्टम फिलहाल बुलाते हैं। जुकाम हो गया मुझे यार, तू टिश्यू वगैरह अरेंज कर। आए गाइस चाय आ चुकी है, मुझे टक पसंद है, ये बिस्किट और भी आ चुके हैं, पर टक पसंद है तो टक को फुली स्पॉन्सर्ड आप खाएं और खरीदें बिल्कुल, और एंजॉय करें। स्वाग भाई। हाँ भाई। यार मुझे कुछ पैसन की जरूरत है, कुछ चंदो वंदो करे दे। पैसा कब नहीं? हाँ वापस इंदे ने। हाँ सबर कर, मार सेठ अचण वारा तो वठी तो जा। इंदे में तो इंदो बस अचण वारा रस्ते में। ओ अची अची अब्बा। हां बा ए चूल खणिया। हां 20 रुपया ले तो ने रखिया रे के किरायो जा। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं मीट एंड ग्रीट पर, और चाचे बबलू वाले बिल्कुल रेडी हैं और सारी संगत तैयार है। अब मेन मसला ये है कि लोकेशन एग्जैक्ट बताई नहीं, तो पता नहीं अब फैन कैसे हमें ढूंढ के मिलेंगे, देखते हैं क्या सीन होता है। तो बिस्मिल्लाह करें चाचा। अरे इधरी इधरी हेलो जिंदाबाद। लुकता खुलिया कुछ चाहिए इसको दीवानी। दीवाना 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 दीवाना।
अभी हमने बहुत अच्छी खासी टिकटॉक बनाई और यहाँ पर हमें बहुत मजा आ रहा है और बहुत सुकून है यहाँ पर ना। दादा बबलू बाबा डाडो साईं जी दरगाह ते मजो आयो आ ना कलंदर लाल ते आयो खुदा जो कसम ये समझे बेड़ा पार झूले लाल बेड़ा पार अंदर पे बहुत अच्छा लगता है और मेरी सारी वीडियो मतलब जो भी मैं यहाँ आता हूँ तो वो अच्छी खासी फॉर यू पे भी जाती है। वैसे हम लोगों ने ना एग्जैक्ट मीटअप का मुझे पता था कि हम लोगों ने ना मीटअप का कोई प्लान नहीं रखा, एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं बताई क्योंकि हमें इधर का पता भी नहीं था, तो हमने वो नहीं सोचा कि हमें कहाँ रखना चाहिए। बस कुछ दोस्त मिले हैं जैसे आप देख सकते हो और कुछ ऐसे फैन थे जिनके साथ मेरी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुई, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी हम घूमेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है, पता नहीं भाई। आ जाओ बाबा वडो मजो आयो असै लाल ते यकीन कर असै तो मु चयो झूले लाल बेड़ा पार तो मु चयो ना तो लोकेशन सही बुदा लोकेशन नहीं हो को मसलो ना है अन्या तो टाइम पियो 12 पहुंच जाना 5 रखिया बाबा झूले लाल छबा जो सोने सा गेट ठहरा ॾिसो केॾो प्यारो गेट ठहियलु आहे ऐं सिक्योरिटी जे लाइ पहिरियों गेट सॼो सोने शरीफ की मार्केट लास्ट टाइम में आया था यहाँ पर, खूबसूरत है और रात में इतना मजा होता था। कल हमने इतना एंजॉय किया यहाँ पर, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, इसलिए बोलता हूँ फोन होना चाहिए, जब भी दिल करे रिकॉर्ड करना चाहिए उस चीज को। अब इंशाल्लाह न्यू ईयर में नया फोन लूंगा, तो फिलहाल के लिए ये मार्केट बहुत मजा, रात में तो और भी ज्यादा, 2-3 बजे तक पूरी मार्केट सुना है 24 घंटे तक मार्केट खुली हुई होती है, पर 2-3 बजे तक तो बिल्कुल ही खुली हुई थी भाई। चाचा कल मजो आयो मार्केट में घुमया थी डाडो, हां मजो आयो हां। अब एक दावत है वहां चल रहे और उसके बाद देखते हैं, और मेरी तबीयत स्टिल सही नहीं है, जुकाम, रात में पूरी प्रॉपर नींद भी नहीं आई मुझे।
असा आया हूं किले दे ए पोया केड़ो बोदा साहब चाय पोया पोया तो बसी पोया पोया ना पास दरिया ना पास अच्छा चलो मैं आप लोग को पीछे से ये भी विजिट राम का अच्छो 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 बाबू अच्छो भालाई बुबक जे नाले साई गोठा है सेवण जे पासे में है तमाम सुठो इलाको है अस डाडो मजो आयो गोठे एडो सुनो आ यकीन करे एडा देखा ने मजो छ आयो एडे बनी दे खार कोई दिलदी जे मारी हलो ना बनी में वाह वाह रही इश्वाक दो हर किते दिल तो छे बनी में अदनान बसी शान बस सजदाद करे काफर मुसलमान बस सजदाद करे भाई असो एक सिंधी जो कल्चर आ मतलब खटू साई भी भट्टी साहब साई साई भट्टी साहब छाल खुश हो ता सफा अमन ओके दोस्तन इलाही माना गोल वगैरह वेदा पर मुंजी इलाही जो रिकॉर्डिंग ही न भी थे इलाही मानू मिल्या हुआ भी रिकॉर्ड कोन थियो बट आने नसीब जेको असान जो आए तुंजी भी कोन थी मुंजो भी सही न पर तो ने आईफोन जी रिकॉर्ड मु कई इनमें थी या इनमें भी थी या मु पंजा त सके या तू थी या जाने बाकी मुंजी रिकॉर्डिंग कोन थी या ऐ खटन दे बैठा हूं बाकायदा सिंधी कल्चर आ चाचा कीदो भाई जबरदस्त है ना बमानी खाई ता सीधो हैदराबाद करती है हैदराबाद रोटी वोटी खा के अब सोच रहे हैं कि भाई तू ना जमीन घूमी जाए बस बिस्मिल्लाह आज शूज बड़े अच्छे पहने हुए ना मैंने क्योंकि इधर वो कांटे वांटे कांटे क्या बुद्ध कंडन के उर्दू में छा जब उर्दू में लोड़ा लोड़ा हाँ लोड़ा ये असा इतना गाड़ी हो सी असा लोड़ा भाई दा असा माइटन लोड़ा बट्टी दे लोन सो गाइस मैं आप लोग को ये जमीन किसने नहीं देखी होती हर बंदों ने देखी है मैं आप लोगों को भू दिखाता हूँ उर्दू में क्या जी भाई बूसे वीडियो ठाई हूं ना गुस्सा बोलते हैं उसको गुस्सा हां एकड़ो कंटेंट बना वाले तो वायरल ना हां
फाइनली हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि हम उस भूसे में जाएं जो होता है छिलका, जिसको गंदम का गंदम जब मशीन में कोई मशीन होती है उसका छिलका निकाल दिए, थ्रेशर मशीन। ओके, थ्रेशर मशीन होता है इसका नाम। अच्छा, थ्रेशर मशीन। तो वो थ्रेशर मशीन पूरा जो कचरा होता है वो निकाल के बाहर फेंकती है, तो वो मतलब भैंसों को दिया जाता है ताकि उनकी खुराक बने। तो हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे बहुत देखते हैं क्या सीन होता है, दिखाते हैं आप। सो गाइस, जहाँ पे ट्यूबवेल वाला सीन है, मतलब पूरी इस खेती बेती को पानी वाने के लिए है ना। चलो मैं आपको भूसा दिखाता हूँ। ये रहा भूसा। कैमरा की बैटरी डाउन है तो मैं दूसरी बैटरी लेना भूल गया, वो गाड़ी में पड़ी हुई है भाई। ये रहा भूसा, जिसको सिंधी में चंदन बूहू। ये भाई बुधे या घने घने मण हूँ 600 रुपए मण, 600 ओए घना मण टोटल ही अंदाजी ना 10 मण या घना पैसा दिना 6000 वाले 6000 ओए 6000 सजो मारी मालिक पुते ही भाई ये खुद अंदाजा लगा रहे, पता नहीं इसका वेट कितना होगा। ये वैसे फायदा फायदा होता है ना भैंसों को दूध में ना। चाचा बबलू बदनाम हुआ। चलो भाई अभी हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं, दिखाते मंचर जेल वाली एयरपोर्ट, वहाँ पर पहुँचे हुए अभी। सही अब्दुल्ला शाह ने उसने बनवाई थी इधर, तो इधर सीएम साहब ये वो आते रहते हैं बड़े लोग। सो आई होप यू गाइज इन्जॉय दिस व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दूसरा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं क्योंकि नई चीज़ दिखानी है मुझे आप लोग को।